आप सभी को प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि भोजन करने के बाद सोने की सही विधि क्या है। यदि आप खाना खाने के बाद सोना चाहते हैं तो किस विधि से सोना चाहिए, और रात के समय जब आप सोते हैं तो आपको किस विधि का प्रयोग करना है जिससे आप बहुत सारे रोगों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार रात को व्यक्ति सोता है और सुबह 2-3 बजे के आसपास उसको हार्ट अटैक हो जाता है। तो कई बार इसका मुख्य कारण हमारे रात का जो सोने की जो विधि है वह भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो आपकी सोने की विधि सही होनी चाहिए, तो इसके लिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप खाना खाने के बाद सोना चाहते हैं तो वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, लगभग 100 कदम आपको चलना चाहिए, या आप इस आसन में बैठें, वज्रासन, जिस आसन में मैं आपके सामने बैठा हूं इसी आसन में आप बैठें। वज्रासन 5 मिनट खाना खाने के बाद आप जरूर करें, उसके बाद आप सोने के लिए जाएं। सोने का क्या मेथड होना चाहिए आप ध्यान से देखें इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा। खाना खाने के बाद जब आप सोने के लिए जाते हैं तो पहले आपको राइट करवट लेटना है। इस प्रकार से राइट करवट ले लें और 8 बार श्वास लें छोड़ें, अर्थात 8 बार ब्रीदिंग करें। फिर आप लेफ्ट करवट लेटें इस प्रकार से और 16 बार श्वास लें छोड़ें लेफ्ट करवट लेटते हुए। उसके पश्चात आप सीधे लेटें शवासन में इस प्रकार से। शवासन की स्थिति में आप आ जाएं। रात के समय भी जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको शवासन में ही लेटना है। शवासन पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप होना चाहिए आपके, एड़ी अंदर पंजे बाहर, और हथेलियां आधी खुली हुई आधी बंद इस प्रकार से। थोड़ा सा गैप रखें, एक कंफर्टेबल पोस्चर बनाएं और धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए आप इसी आसन में सो जाएं। तो ये रात के समय भी आप इसका प्रयोग करें सोने में, तो आप देखेंगे कि कभी भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम या ब्रेथलेस नहीं होगा, श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इससे लंग्स प्रॉपर आपके इनहेल एक्सहेल प्रॉपर होता है। खाना खाने के बाद सोना चाहते हैं तो पहले आप राइट करवट लेकर 8 बार ब्रीदिंग करें, 8 श्वास लें, फिर लेफ्ट साइड करवट लें, 16 श्वास लें, और फिर शवासन की स्थिति में सीधे लें। इससे आपकी नाड़ियों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको गहरी नींद आती है। तो शवासन सबसे उत्तम आसन है सोने के लिए। कई बार कुछ लोगों को आदत होती है पेट के बल लेटने की, उल्टा लेटकर सोते हैं, तो उससे आपको श्वास की दिक्कतें होने लगती हैं। श्वास ठीक से नहीं आ पाता, लंग्स पर लगातार प्रेशर बना रहता है, स्टमक में खाना होता है, तो भी आपको उसका नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो शवासन सबसे बढ़िया आसन है। सीधे होकर लेटें हमेशा, आदतें आप बना सकते हैं जैसी चाहें, तो सीधे लेटने की आदत डालें। इसी से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नींद अच्छी आती है और आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। कई बार दिन में भी जब आप थकान फील करते हैं तो भी आप शवासन में आकर लेट जाएं 10-15 मिनट भी, तो भी आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो शवासन ये बहुत ही अच्छा आसन है सोने में, आप इसी का प्रयोग करें, यही सर्वोत्तम विधि है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें, आपका कोई भी सवाल है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, योग आयुर्वेद से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।